नमस्कार दोस्तों, अलकाश किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे प्याज की ऐसी लाजवाब और टेस्टी सब्जी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपके पास घर पे कोई भी सब्जी ना हो तो आप सिर्फ प्याज से एकदम टेस्टी और लाजवाब सब्जी बना के खा सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, इसे बनाना एकदम आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाए, तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम प्याज लिया है। इसको छील के मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद इसे ऐसे कट लगाया है। देखिए मैंने कैसे कट किया है, ऐसे काट लीजिए आप। और दो छोटे छोटे प्याज को मैंने महीन महीन काट के भी प्लेट में एक साइड में रख लिया है। ये देखिए मैं ऐसे कैसे कट लगा रही हूँ, ऐसे ही आप भी लगाइए। अब एक कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब कढ़ाई बहुत अच्छी गर्म हो गई है तो 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। अगर आप चाहें तो रिफाइंड दाल में भी बना सकते हैं। ये देखिए तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। ये 1 बड़ा चम्मच जीरा है। देखिए जीरा बहुत अच्छा चटक रहा है। अब इसी समय मैंने 2 प्याज जो बारीक कट करके रखे थे उसको भी इसी में डाल के भून लिया है। ये देखिए मैंने इसे चला दिया है जिससे ये जले ना। अब बारीक कटा हुआ 1 चम्मच अदरक भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे भी मैंने चला दिया। अब इसी समय मैंने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी है जिससे इसका स्वाद और दोगुना हो जाए। अब ये सारी सामग्री को मैं चला दूंगी जिससे मसाले जले नहीं। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैंने 2 बारीक कटे हुए टमाटर को डाल दिया है और उसे भी चला दिया है। टमाटर हमारे जल्दी गल जाएं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है जिससे ये अच्छे से गल के पक जाएं और हमारा मसाला बहुत अच्छा तैयार हो जाए। ये देखिए अब इसे भी मैंने चला दिया है। अब हमारा टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसलिए मैंने इसमें ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने को छोड़ दिया है। इस समय गैस की आंच को आप धीमा ही रखें। अगर बहुत तेज रखिएगा तो सारे मसाले जल जाएंगे और सब्जी का स्वाद भी खराब हो जाएगा। अब मैं इसे हटा के देख लूंगी कि ये जल तो नहीं रहा। अब ये देखिए मैं इसे चलाऊंगी। मसाले हमारे बहुत अच्छे पक गए हैं और थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है जिससे इसका कलर बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है और इसके साथ मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर को डाला है। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर भी डाला है। और ये सारी सामग्री डाल के मैं चला दूंगी इसे। अब इसी समय मैंने 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है और उसे भी डाल के चला दिया है। ये देखिए इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है, स्वाद भी बढ़ जाता है सब्जियों का। अब मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से भून जाए। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इसे चला देंगे जिससे ये जले नहीं। इसी तरीके से 1 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। मसालों में मैंने 1 गिलास पानी डाला है और ये देखिए मसाले में बहुत अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसी समय मैंने प्याज में जो कट लगा के रखे थे उसको इसी में डाल देंगे। ये देखिए सारे प्याज को मैंने डाल दिया है। आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। सारे कट के हुए प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है और बीच में इसे चला भी देंगे जिससे सारे मसाले और प्याज एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसी समय मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक टमाटर चलाते समय डाला था, इसलिए नमक कम ही डालें, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब मैं इसे बीच बीच में चलाते रहूंगी जिससे ये जले नहीं। अब मैंने इसे अच्छे से चला दिया है। अब ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे जिससे हमारा प्याज अच्छे से पक जाए। दो 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे खोल के देख लूंगी कि ये अच्छे से पका है या नहीं। बीच में इसे एक बार और चला दूंगी।
अब इसी समय मैंने एक शिमला मिर्च को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, उसे भी इसमें डाल देंगे और चला देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको सजाने के लिए मैंने बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डाल दिया। देखिए हमारी सब्जी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें बहुत ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ये रसा एकदम पतला हो जाएगा और बहुत गाढ़ी है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप पानी कम डालें। मैंने तो मीडियम साइज का रखा है पराठे रोटी और पूड़ी के साथ खाने के लिए। कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है और कसूरी मेथी डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी दोगुना हो जाता है। ये देखिए मेरी सब्जी कितनी खूबसूरत लग रही है ना, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसे मैंने चला दिया। अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस डाल के मिला देंगे। लीजिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे मैंने सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया। ये देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी लग रही है। जितनी खूबसूरत ये देखने में है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट ये खाने में। आप इसे एक प्लेट में निकालिए और सर्व कीजिए। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे सर्व किया। लीजिए प्याज की स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये कैसी बनी है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और झटपट बनके तैयार हो जाती है। बहुत ज्यादा मसाले की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए कितनी लाजवाब हमारी सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत और लाजवाब सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।